अज्ञात हमलावरों ने युवक को मारी गोली, गोली सीने के ऊपर कंधे पर लगी, बाल बाल बचा युवक। घटना चोराडा थाना अंतर्गत मगुरहाई पड़िया गांव की, जहां पर आज सुबह युवक को मारी गई गोली। अज्ञात हमलावरों ने युवक को मारी गोली, गोली सीने के ऊपर कंधे पर लगी, बाल बाल बचा युवक। घटना चोराटा थाना अंतर्गत मगुरहाई पड़िया गांव की, जहां पर आज सुबह युवक को मारी गई गोली। घटना सुबह 7 से 8 के बीच बताई जा रही है। अज्ञात हमलावरों ने युवक को मारी गोली। सुबह सवेरे गोली चलने की घटना से इलाके में दहशत का माहौल। घटना चोराटा थाना अंतर्गत मगुरहाई पड़िया गांव की। ऐसा लगता है पुलिस को अपराधियों पर कोई खौफ नहीं। आए दिनों जिस तरीके से हत्या, लूटपाट, मारपीट की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं, उसको देखकर ऐसा कहा जा सकता है। गुरुवार की सुबह चोराटा थाना अंतर्गत एक युवक को गोली मार दी गई। युवक की किस्मत अच्छी थी, गोली थोड़ा नीचे लगती तो उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो सकती थी। गोली युवक के सीने के थोड़ा ऊपर कंधे के पास लगी। युवक को तत्काल ही रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने उसका तुरंत उपचार प्रारंभ कर दिया। फिलहाल प्रभात सिंह की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। रिहाई के पास कुछ अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति के ऊपर फायर किया था, तो कंधे पे गोली लगी है उसके। डॉक्टर अज्ञात व्यक्ति को संदेही है, उनको अपन तलाश रहे हैं, जो भी कट भारी नाम आएंगे। घायल पड़िया का रहने वाला है और उसका नाम है प्रभात सिंह पटेल। और उसकी स्थिति कैसी है? नॉर्मल है, कोई ज़्यादा मतलब कुछ पुराना विवाद था। हाँ, वो बता रहा कि कुछ लोगों से मेरा पुराना विवाद है, हो सकता है उन्हीं लोगों ने मेरे ऊपर ऐसी घटना कारित करी। घटना कारण भी स्पष्ट नहीं, अभी अभी क्लियर नहीं किसने मारा, क्यों मारा भी क्लियर।